दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में आज तड़के पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने सुंदरभाटी गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश का नाम दीपक है और उस पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने इस बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। बदमाश के कब्जे से एक पिस्तौल बरामद हुई है। अपने एक साथी के साथ में जब मूव कर रहा था, उसी दौरान जब रोकने का अरेस्ट करने का प्रयास किया गया गिरफ्तारी का, उसी दौरान जो बदमाश थे उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। उसी एक्सचेंज ऑफ फायर में जो दीपक हापड़ नाम का बदमाश है, इनामी बदमाश, वो घायल हुआ है। और जो जानकारी जुटाई गई है उसमें ये जारचा थाना क्षेत्र का एक हिस्ट्री शूटर बदमाश भी है इस समय, और इसका एक साथी सोनू जो मौके से फरार हुआ है, जिसकी अभी तलाश की जा रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, 25,000 का इनामी बदमाश दीपक पकड़ा गया है, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल, बताओ तस्वीर, ये जो सुंदरभाटी गैंग है उसका साफ शूटर है। 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस काफी लंबे समय से इसकी तलाश में जुटी थी। इस पर लगभग दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और रात पुलिस को सूचना मिली थी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। वहीं दादरी पुलिस ने घेराबंदी करके इस बदमाश को रोकने का प्रयास किया, जहाँ इसने क्रॉस फायरिंग की और पुलिस से फायरिंग करने के बाद पुलिस ने फायरिंग की और पुलिस की गोली से इसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद ये घायल हो गया। वहीं जो इसका साथी था वहीं मौके से फरार हो गया, जिसके लिए पुलिस तलाश कर रही है। जी जस्टिस, बिल्कुल अमित, एक साथी फरार हुआ जैसा कि आप बता रहे हैं, कितने मामलों में ये वांछित था इनामी बदमाश? जी बिल्कुल, बता जसप्रीत, लगभग इस पे 20 से 22 मुकदमे ऐसे थे जिसमें रंगदारी, हत्या आदि के मुकदमे थे, जो हिंस क्राइम है उसके मुकदमे थे। पुलिस को काफी लंबे समय से इसकी तलाश थी, जिसके चलते रात ये इसका मूवमेंट यहाँ हुआ था। पुलिस ने काफी दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी, तो पुलिस को सूचना मिली थी मुखपुर से किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में दादरी में आया हुआ है, तो पुलिस ने घेराबंदी करके उसको घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ के बाद इसके पैर में गोली। बिल्कुल अमित, हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले सुंदर भाटी गैंग के ही बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, तो लगातार जो है पुलिस अब दबिश दे रही है और ऐसे मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल जस्टिस, बता दूं लगातार पुलिस ने जो संगठित अपराध करने वाले गैंग है उन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले भी सुंदर भाटी के जो साफ शूटर था नोएडा के अंदर मुठभेड़ में घायल हुआ था, वहीं आज भी ये जो सुंदरभाटी गैंग का ही साफ शूटर बताया जा रहा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बड़े गैंग है उस पुलिस ने अब निगरानी शुरू कर दी है, उनको नियंत्रित करने के लिए जो उनके साथ शूटर उनको टारगेट करके उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। बिल्कुल अमित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में आज तड़के पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने सुंदरभाटी गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश का नाम दीपक है और उस पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। दीपक के अलावा उसका एक साथी भागने में कामयाब हुआ है, लेकिन दीपक पुलिस के हत्थे चढ़ा।